नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं पिक्सल लैब के बारे में। ठीक है, हर बार की तरह एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आपके लिए एक टॉपिक है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब से आप यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल कैसे HD क्वालिटी में बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है भीमराज और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल भीमराज भाई का मैं आपका हार्दिक स्वागत। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो फटाक से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल लीजिए और उसमें प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर सभी के पास होता है, प्ले स्टोर में जाइए और उसमें सर्च कीजिए पिक्सल लैब। ठीक है, पिक्सल लैब जैसे ही सर्च करेंगे ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है, ऐप आएगा, उसमें क्या करना है आपको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ओपन और अनइंस्टॉल बता रहा है, या तो आप खोल सकते हो या आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखो, ये पूरा आइकन खुल गया, ये पूरा सॉफ्टवेयर खुल गया। ठीक है, इसमें आप देखो ये अलग अलग से आप कुछ देख सकते हो, फीचर 3D, जैसे लिखा हुआ है 3D में कुछ लिखा है, जैसे कि इसको बड़ा कर देते हैं, इसमें कुछ इसी में कुछ लिखना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो RJPSAN राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसी को बड़ा करना है। ठीक है, आपको ए वाला, जैसे कि ए वाला सिंबल दिख रहा है उसमें जाना है और थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है और साइज का ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें चाहे अपने हिसाब मन के हिसाब से साइज सेट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, राजस्थान हमारा स्टेट है। देखो, हमारे तुम्हारे उससे कोई नहीं है, हम सभी भारत के वासी हैं, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वो स्टेट का नाम है। ठीक है, ये हो गया, राइट कर दो आप। इसमें आपको कलर भरना है, तो कलर जैसे कि साइज के आगे पेडिंग, ठीक है, ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है कलर का, इसमें चाहे तो कलर भी भर सकते हो। देखो, ठीक है, कलर भर दिया। और इसके जैसे कि ये पूरा आ रहा है, जैसे कि आर में अलग कलर भर सकते हो, आर में हो गया, आर एम में, और जे ए ए, जैसे कि जैसे जग और इसमें से अलग भरना है, ये अलग हो गया। ठीक है, इसमें अलग करना है, ये अलग हो गया, और इसमें और अलग भरना, ये हो गया, अलग अलग कलर हो चुका है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें फीचर, आप देख सकते हो। इसी के साथ कलर के आगे आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यानी देखो अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ऑप्शन आ रहा है स्टाइल का, स्टाइल में जाओ आप, इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक यानी तिरछा कर सकते हो, अंडरलाइन बना सकते हो, युवा का नीचे अंडरलाइन भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब चाहे जैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे क्या ऑप्शन आ रहा है, बैकग्राउंड का। ठीक है, बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये तो एडिटिंग, लेकिन आपको क्या करना है, YouTube थंबनेल बनाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज में जाना है, कस्टम में जाना है, और ऑप्शन कितने आ रहे हैं, कस्टम, स्क्वेयर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो और ट्विटर हेडर साइज। यूट्यूब थंबनेल में जाना है, इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, इसकी लेंथ होती है वो ये है 720x1280, ओके पर क्लिक करना है। यह है यूट्यूब बैनर का साइज, सॉरी यूट्यूब थंबनेल का साइज। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और यह कलर भर देते हैं अपने हिसाब से, ये भर दिया, हो गया दोस्तों एकदम। ये जो तीर वाला जो आइकन दे, उससे वाला ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा है फ्रॉम गैलरी। ठीक है दोस्तों, कैसा भी फोटो ले ले आप, मेरा फोटो है,
ठीक है, मैं मेरा वोट दूंगा। मेरा खुद का फोटो है, मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। फिर क्या करना, आपको कुछ लिखना है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्लस वाला आइकन में गया और टेक्स्ट में गया, इस पर पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है। ठीक दोस्तों, नीचे कितने ऑप्शन आ रहे हैं, एक, फिर बाद में ए वाला ऑप्शन, उसके बाद में ये स्क्रॉल वाला, फिर बाद में ये और ये, तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, साइज वगैरह आप देख लो, साइज जैसे सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है पेडिंग का, कलर का, कलर ब्लैक हो गया, ठीक है। फाउंड, फाउंड आप जैसे चाहे ले सकते हो, इतने फाउंड है, ठीक है दोस्तों, घबराएगा मत, ये हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, ऐसा हो गया, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, जो फाउंड थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। ये लो फिर से ऐसा हो गया, ये नाम हो गया। और फिर क्या करना है, स्टाइल में जाना है, बोल्ड कर दो इसको, ये बोल्ड हो गया, राइट पे क्लिक कर दो। इसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कुछ भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों, साइज जैसे एक दो, इसको पट्टी को भी ला सकते हो, कहाँ तक रखना है ऊपर तक भी ले जा सकते हो, नीचे तक भी ला सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, इतने ज्यादा ऑप्शन है ना दोस्तों कि आप समझ भी नहीं पाओगे, इतना डीपली, जितना डीपली जाओगे उतनी ज्यादा ऐप्स आते जाएंगे, ठीक है। सर बैकग्राउंड मैंने चेंज नहीं किया था, चलो एक कुछ बैकग्राउंड लग ही देते हैं, राइट है, ठीक है, राइट कर देते हैं। इसके बाद क्या करना, आपको शेडो बनाना, शेडो करने से आपको शेडो से क्या इफेक्ट पड़ता है आप खुद ही देख लो। शेडो ऑप्शन आता है, उसमें क्या करना, इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करो, शेडो हो गया, ब्लैक कलर ही है इसमें, ठीक है, ब्लैक कलर जैसे कि साइड से थोड़ा सा स्क्रॉल होकर हो गया शेडो, दूसरा कलर देख सकते हो इसमें, कैसा दोस्तों, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना, देखो चाहे जैसे तैसे, नीचे भी आ सकता है, देखो शेड वाला है, ठीक है। और इसमें थोड़ा और इफेक्ट देना चाहते हो शेडो के बाद में, एक और इन शेडो हो गया, ठीक है, स्मोक हो गया, स्मोक में फीचर आ रहा है नया, ये देखो बिल्कुल कम, ये इतना बड़ा हो गया, ऐसा कलर रखना इसके पीछे, देखो कलर भी सेट हो जाता है, पीला रखना है, पीला हो गया, ठीक है दोस्तों। आप बिल्कुल निसंकोच होकर इस पर बने बना सकते हो, कोई सा भी YouTube चैनल, ठीक है, और कोई सा भी टॉपिक हो, ठीक है, इस पिक्सल लैब आप में एक मिनट के अंदर आप बिल्कुल निसंकोच होकर कुछ भी वीडियो बना सकते हो, ठीक है, वो भी बिल्कुल HD और फ्री क्वालिटी में,
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।